भारत के गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम के आज के अंक में हम श्रीलंका के अनुभवी नेता फिलिप गुणावर्धने को याद कर रहे हैं। वहीं आज के इस अंक में महान स्वाधीनता सेनानी भिकाजी राव जीजाबा खताल पाटिल के योगदान को भी हम याद करेंगे। आज हम श्रीलंका के जाने माने नेता फिलिप गुणावर्धने का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के लिए फिलिप गुणावर्धने का प्रेम और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के उनके प्रयास 1920 के दशक के आरंभ में अमेरिका में शुरू हुए थे। वे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में जयप्रकाश नारायण के सहपाठी थे, जहाँ वे औपनिवेशिक शासन से आजादी की वकालत किया करते थे। 1928 में फिलिप गुणावर्धने इंग्लैंड चले गए और वी के कृष्णा मेनन के साथ इंडियन लीग की गतिविधियों में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर लंका समाज पार्टी LSSP ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का खुलकर विरोध किया और उसके सदस्यों को भूमिगत होना पड़ा। फिलिप गुणावर्धने को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का खुला विरोध करने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। 5 अप्रैल 1942 को कोलंबो पर जापानी हवाई हमले के दौरान गुणावर्धने सहित कई नेता जेल से निकलने में सफल रहे। गुरुस्वामी के छद्म नाम से फिलिप अपनी पत्नी कुसुम के साथ भारत आ गए। भारत में गुणावर्धने दंपति उन भूमिगत कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। 1943 में फिलिप और उनकी पत्नी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बंबई में आर्थर रोड जेल भेजा गया। एक वर्ष बाद दोनों को श्रीलंका निर्वासित कर दिया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर ही उन्हें रिहा किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू श्रीलंका में उनके घर गए और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में समर्थन और उनके व्यक्तिगत बलिदान के लिए दोनों का धन्यवाद किया। 1948 में श्रीलंका के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद फिलिप और कुसुम श्रीलंकाई संसद के लिए निर्वाचित हुए। फिलिप 1956 में पीपल्स रिवॉल्यूशन सरकार के संस्थापक नेता और कैबिनेट मंत्री थे। उन्हें श्रीलंका में समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। फिलिप गुणावर्धने अंत तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे और 26 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से भारत हजारों वर्ष से श्रीलंका का घनिष्ठ पड़ोसी मित्र रहा है। फिलिप गुणावर्धने और श्रीलंका के अज्ञात शहीदों का बलिदान दोनों देशों के मजबूत संबंधों का आधार और प्रतीक है। महान नेता को श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी भिकाजी राव जीजाबा खताल पाटिल को भी याद कर रहे हैं। वे दादा या खताल साहब के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 26 मार्च 1919 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी की। 1930 के दशक में युवावस्था में ही वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में वे वकालत करने लगे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वकील थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दादा अहमदनगर में सक्रिय रहे। दादा 1962 से 1985 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे 16 वर्ष से अधिक समय तक महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री रहे और विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें बांधों और चीनी मिलों के निर्माण सहित महाराष्ट्र में अनेक विकास परियोजनाओं का श्रेय हासिल है। पाटिल साहिब ने अपने समूचे राजनीतिक जीवन के दौरान सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पालन किया। वे इतने सिद्धांतवादी थे कि मंत्री रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों को अपने सरकारी वाहन का कभी इस्तेमाल नहीं करने दिया। 1985 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। पाटिल ने शेष जीवन ध्यान साधना सहित अपनी रुचि के कार्यों में बिताया। बीजे खताल पाटिल ने मराठी में कई पुस्तकें भी लिखी। 16 सितंबर 2019 को उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन।